दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग देना, आप लोगों को सिखाना। मैं एक गोल लेके चल रहा हूँ कि हमने भारत को कर्जा मुक्त कैसे बनाना है। कर्जा मुक्त से पहले तो अपने आप से ही शुरू होना पड़ेगा कि अपने आप को कर्जा मुक्त शुरू करें। यदि आप अच्छी कमाई करके गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आप गवर्नमेंट की, हमारे इंडिया की जीडीपी में अपना योगदान डालते हो, कंट्रीब्यूशन डालते हो, तो इंडिया अपने आप ही कर्ज मुक्त हो जाएगा। और मैं इंडिया को अकेला ही कर्ज मुक्त करने की क्षमता रखता हूँ, प्रोवाइडेड आपका साथ मेरे साथ हो। हाय दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आज उन दोस्तों के लिए है जो सोचते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। और कई लोग मेरे को सोचते हैं कि मैं बहुत नहीं बहुत बड़ा आदमी हूँगा और मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है शुरू से ही इतना बड़ा रहा होगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी बहुत ही छोटे लेवल से शुरू की। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि 3.5 किलोमीटर मैं पैदल स्कूल जाता था, हमारे पास साइकिल नहीं था। मेरे पास 3.5 किलोमीटर स्कूल जाना, 3.5 किलोमीटर वापस आना, फिर आके पढ़ना। और पढ़ने में मैं होशियार था, ठीक था। तो उसके बाद फिर मैं घर आके काम करना, घर पे काम करने के बाद फिर ऐसे बढ़ता गया। जैसे मैंने मैट्रिक करी, मैट्रिक करने के बाद मेरे को हायर स्टडी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने फैक्ट्री में एज ए वर्कर ज्वाइन कर लिया और एज ए वर्कर ज्वाइन करने में मेरे को सिर्फ 180 रुपये महीना मिलते थे। 180 रुपये महीने में मेरा गुजारा कैसे हो सकता था। तो उन दिनों में ही मेरे पास मेरा कोई रिश्तेदार आया जिसने बताया कि टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ पोस्टें निकली हैं और आपकी फर्स्ट डिवीजन है मैट्रिक में, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमने उसमें अप्लाई किया और मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हो गई। और वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद मैं 1981 में टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर बसी पठाना में ज्वाइन किया। उसके बाद मंडी गोविंदगढ़ में काम किया, फिर बसी पठाना में ज्वाइन किया। बसी पठाना के बाद फिर आके बैंक में मैंने तैयारी की और बैंक में मैंने ज्वाइन किया। और बैंक ज्वाइन करने के बाद मैं मोहाली में आ गया। मोहाली में आके मेरा गुजारा नहीं हुआ तो मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब फिर ना गुजारा हुआ तो मैंने रियल स्टेट में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। सो दोस्तों, इस तरीके से मेरी ये जो जर्नी है आगे बढ़ती गई। जब मैं 2012 तक मेरे पास सारा मैट्रिक इकट्ठा हो गया रियल स्टेट का, तो मैंने किताब लिखने की सोची, मैंने ट्रेनिंग देने की सोची। और उन दिनों से मैं ट्रेनिंग देनी शुरू की हुई है। और जो अपनी ट्रेनिंग है वो क्यों है, क्योंकि मैं जैसे 0 लेवल से उठ के यहाँ तक आया हूँ, इसी तरीके से मैं अपने भाइयों को, मेरे समाज के लोगों को, मेरे देश के लोगों को उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग मत्था टेकने से परहेज करें, मत्था ज़रूर मारें। मत्था मारने का मतलब दीवार में मत्था नहीं मारना, सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी बात को लेके उनके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, लाभ हानि देखनी है, उसमें चिंतन करना है, उसमें मंथन करना है, अपने आप को मेंटली डेवलप करना है ताकि सामने वाला बंदा आपका फ़ायदा ना उठा सके। दोस्तों, जब तक हम सवाल करने के काबिल नहीं होते तब तक हमारी ग्रोथ नहीं होती। हम यदि हम सवाल करने के काबिल हो जाएं तो कोई पॉलिटिशियन, कोई हमारा दूसरा कोई बंदा, कोई हमारे को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। जब तक हम सवाल करने के काबिल नहीं होते, हम अपनी बात रखने के काबिल नहीं होते, हम सामने वाले के साथ बहस करने के काबिल नहीं होते, उसको उसके अच्छे बुरे बताने के काबिल नहीं होते, तब तक हम सामने वाले को अपनी बात नहीं रख सकते। और जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे, सामने वाला बंदा के साथ हम ऐसे ही लुटते चले जाएंगे। आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज नहीं है। डॉक्टर जो मर्जी दवाई लिख दे, आप जाके दवाई लेके खा लेते हो सिर्फ डॉक्टर के विश्वास पर। आपको नहीं पता कि ये दवाई आपको रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, आप आके खा लेते हो। कई लोगों की इस तरीके से मौत भी होगी, दवाई रिएक्ट कर गई, किसी को इंजेक्शन रिएक्ट कर गया। तो हम ये डॉक्टर के पीछे हम क्यों लगते हैं कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। मैं अपने लोगों को, मैं अपने दोस्तों को ये चाहता हूँ कि यार आप नॉलेज लो, आप अपने दिमाग खोलो। जब दिमाग खुल जाएगा तभी काम करेगा, जब छाता खुल जाएगा तभी काम करेगा। दिमाग, छाता, मोर के पंख और घर, यदि ये खुले रहें तो ही अच्छे लगते हैं, तो ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आपने अपने दिमाग से
काम लेना है, आपने दिमाग को खोलना है, अपने दिमाग को खोलते जाओ ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन ना हो सके। दोस्तों मेरी ट्रेनिंग का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको जगाना है। आपको जगाने के लिए मैं अपने आप को अभी भी 59 की एज में भी रात को 1-1 बजे तक काम कर रहा हूँ। 1-1 बजे तक काम करने का मकसद यही है कि मेरा जो मैक्सिमम मैसेज है आप तक चला जाए कि भाई यदि ये ऐसा बंदा कामयाब हो सकता है ज़िंदगी में तो आप क्यों नहीं हो सकते। आप आओ यार, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके आगे लगने के लिए तैयार हूँ। आप यदि मेरे पीछे भी लग गए तो भी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाओगे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी प्रैक्टिकल जी है। लोग तो घुटनों के बल चलते हैं, मैं पेट के बल चलाऊँ। मैं आपको जगाने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ। आओ जाग जाओ, और यदि आप जिस दिन आप जाग गए उसी दिन आपकी लूट बंद हो जाएगी। आपका नेता आपको धोखा नहीं दे सकेगा, आपके जो काउंटर पार्ट हैं आपको धोखा नहीं दे सकेंगे। धोखा सीधे आदमी के साथ होता है, जो आदमी सीधा है उस आदमी के साथ धोखा होता है। मैं आपको सीधा नहीं रहने देना चाहता, ये नहीं कि आपके करेक्टर को मैं ख़राब करूँगा, आपको चोरी करनी सिखाऊँगा, कोई और करना सिखाऊँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सामने वाले आदमी को पहचान लो, ये आपकी मैं जो तीसरी आँख है ये खोलने का मैं दम भरता हूँ और दावा करता हूँ, और आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी तीसरी आँख खोल के भेजूँगा। आप एक बार आ जाओ। थैंक यू वेरी मच।